अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपको और आपके सारे चाहने वालों को एबीएन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक हो। नाज़रीन, ईद वाले दिन हम बहुत ज़्यादा खुशियां मनाते हैं, खाते हैं, मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं, लेकिन इसमें सबसे मज़े की चीज़ होती है कि अपने अजीज़ो कारब, अपने चाहने वाले, अपने प्यारों को ईद भी मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ओल्ड एज होम में लेके जाते हैं जहाँ पे लोग रहते तो हैं लेकिन शायद उनको मिलने कोई नहीं आता। आइए आपको हम उनसे ज़रूर मिलाते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवेद साहब तुम्हारा नाम है जी? जवेद साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? एक महीना। एक महीना क्या हो गया आपको? मैं बस समुंदर बीमार बीमार हो गया। बीमार हो गए, फालज का अटैक हुआ आपको जी। तो इससे पहले क्या करते थे आप? गाड़ियों का काम, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे? वो तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा बंदा तेज होता है, उसके लिए दिमाग भी काम करता है और बंदे को फन भी आता है जी। बिल्कुल ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? दो। वो क्या करते हैं? एक बच्ची है, वो शादीशुदा। अच्छा, बच्चा शादीशुदा। बच्चा कहाँ होता है आपका बेटा? कराची। कराची, तो उसने नहीं कहा कि आप मेरे पास आ जाएं? ओ नहीं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे होते हैं तो बच्चे बच्चे कभी बेटी या उसके बच्चे जो आपके नवासे हैं जिनको हम दोतरे पोतरे कहते हैं वो मिलने आए कभी? कोई नहीं। कोई भी नहीं मिलने आया? सवाए एक भरा। भरा मिलन आंदा जी। भरा की करता है तुम्हारा? वो पिकअप ड्राइव ड्राइव करता है। छोटा है बड़ा है? मेरे छोटा। छोटा है। क्या महसूस करते हैं आप जब यहाँ आए रहते हैं? कार जैसा माहौल। कार जैसा माहौल, लेकिन रिश्तेदार तो नहीं है ना? बीवी आपकी फोत हो गई है, यानी वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है एक बीवी का, माँ के बाद बीवी का रिश्ता होता है। तो बच्चे आपको याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। तो कभी उनसे फोन पे बात करने की कोशिश? कभी कदे फोन कर दे। अच्छा, तो गल बात हो जाती? वो खुद फोन कर दे जी। के कहते हैं गल करके? के कहते हैं? हाल चाल पूछ दे। अबा जी ठीक हो? तबीयत ठीक हो? तुम की कहते हो उन्होंने? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, तुम उन्होंने कभी आप बेटे का के नाम थोड़े? मैं मोहम्मद बैर जवेद। मोहम्मद बैर जवेद, उस कहते हो तुम के बेटा? तू मैं तुम जहर अपने बेटे नाल बड़ी मेहनत की होनी है, गड्डिया की तुम सारी वायरिंग करके, गड्डिया दाइटा ठीक करके, हारन ठीक करके, इंडीकेटर ठीक करके उन्होंने पालिया होना है, ठीक है? तो कभी उसको एहसास होया कि मेरा वालद जिसने मैंने बड़ी मुश्किल तरीके नाल पालिया है, हुण वो खुद किस हाल च है? वो देखो उसकी अपनी मर्जी। मैं इतने मैं आया, हाँ जी, कोई खर्चा पानी जरूरत आंदा मैं फोन करदा। मेरी भाई छोटा 12 नंबर वो भेज देंगे? बेटा भेजता, भाई भेजता? बेटा भाई को। अच्छा, चाचा। अच्छा, तो शादियाँ तुम बच्चों दी खुद अपनी मर्जी नाल कीतियां जी? उन्होंने अपनी तुसी कीतियां? ते जेड़ी तुहाडी बहू है, जेड़ी तुहाडी बहू है, ओ सकी मेरी भतीजी है। भतीजी है, उसका रवैया कैसा है तुहाडे नाल? ठीक है, ठीक है। और जेड़ा तुहाडा दामाद है, बेटियां तो बेचारियां खुद भी बड़िया मजलूम होंदियां, ते जेड़ा तुहाडा दामाद है वो के वो साड़ी फैमिली चुनी है। उसे कितने बच्चे ने तुम्हारी बेटी दे? चार, एक बच्ची, तीन बच्चे। अपनी जो तुम ठीक सो, मेहनत करते सो, गड्डी नू ठीक कर देते सो, गड्डी आती सी बिल्कुल तबाह, ठीक, तो कि गल्लां तुहानू याद आंदियां ने अपनी जवानी दियां? हाँ, अपनी जवानी दियां गल्लां याद आंदियां ना कि मैं इस तरह काम करना सा, मैं उत्थे जाना सा, मेरी बीवी आंदी सी, मैं बच्चों नू लै के कभी चूल्हे से लै जाना सा, कभी सर्कस से लै जाना सा, उन्होंने कड़िया गल याद आदि? बस जिस लोगों देखना कुछ ख्याल आते हैं। के ख्याल आते? मैं ठीक होना सा, फिरना टूरना सा, बच्चों को लैके निकलना सा, बच्चे नाल आते? बच्चे बच्चे के फरमायश करते होंगे सन तुम जब छोटे होंगे सन? कभी को नहीं। अच्छा, तुम उन्होंने अच्छे ईद जिस तरह हम ईद है तो ईद तो उन्होंने कपड़े छपड़े लैके देने? जो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मंगया मैं पूरा की थे, अल्लाह का शुक्र है। सही, तो हम के पैगाम के देना चाहते हो साढ़े एबीएन न्यूज़ के इस कैमरे के जरिए? कोई पैगाम देना चाहते हो लोगों को? जिस तरह घर बुजुर्ग बुढ़े हो जाते हैं, मेरा ही पैगाम है कि माँ बाप की
कदर करो, इज्जत करो, क्योंकि कला पियो पूरी फैमिली संभालता, सारे मिल के एक प्यो नहीं संभाल सकते। बड़ी सोहनी गल की है, तुसी बड़ी अच्छी गल की है। जवेद साहब तुहाडे नाल गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया। मजा इस तरह आया कि तुसी अजे हिम्मत नहीं आ रही, इत्थे भी बैठे हो, तुसी खुश होए थे जी, और अपना तुसी दवाई इलाज भी करा रहे हो, ते जिथे तुसी रह रहे हो लोग अच्छा तावन कर दे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तावन कर दे, हर चीज दे दे। मैं जरा तुहाडा हाथ पकड़ के थोड़ा दबा दिया, मैं भी तुहाडा भाई हाँ, तुहाडा बच्चा वा, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, अल्लाह ताला तुहानू सेहत दे, ते साडे वास्ते भी दुआ करना, साढ़े चैनल आस्ते भी दुआ करना, कोई और साढ़े लाए खिदमत, खुश हो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, ये जावेद साहब थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, और अब फॉरेज का अटैक हुआ है, नज़र इनकी काम नहीं करती, यहाँ पे आए आ गए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, ज़िंदगी के कितने दिन हैं ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं। आइए अब हम आपकी मुलाकात एक और साहब से कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद है। महमूद साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद का दिन है, आप भी ईद मना रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। तो कितने अरसे से हैं यहाँ पे? तकरीबन महीना होने, महीना हो गया है। तो क्यों यहाँ पे आना क्यों हुआ आपका, यहाँ आने की क्यों क्या मजबूरी थी? आँख ये जाया हो गया। अच्छा, एक आँख नजर नहीं आता। चढ़ते वक्त जरा मुझे सांस चढ़ती है। चढ़ते हुए आपको सांस चढ़ती है? सर जी, बैठ जाऊँ तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। अच्छा, बैठने तो बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह, बच्चा मेरा जवान फोत हो चुका है। अच्छा, बच्चा फोत हो गया आपका? हम किराए पे रहते थे। अच्छा, जब वो खत्म फोत हुआ, आमदनी कम हो गई, बेटी बेटी अपने घर की हो गई, अपने घर की हो गई। अच्छा, मैं भी बेरोजगार था, बेकार आपकी, था। आपकी जो वाइफ थी, आपकी जो बेगम थी जी, वो हैं अभी? वो हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के, अपने माँ बाप के पास नहीं रहते। एक अब आपकी बेटी है, बस उसके बच्चे हैं माशाल्लाह। नहीं, बेटा है, छोटा है वो। अच्छा, वो बेरोजगार था। अच्छा, अल्लाह करे उसका कोई नौकरी मिल जाए। तो वो खुद छोड़ गए या खुद ही आए हैं यहाँ पे? मैं खुद ही आया। अच्छा, मैं अंदर बता दें सोने काल में कितना रहा था। लखी थे, पहुंचा दिया मुझे। सही, क्या करते रहे आप अपनी जवानी में, क्या काम करते रहे? दर्जी का काम करता था। दर्जी का काम करते रहे, और ते लोग तो अनु बड़ा याद, थोड़े खुश हो जाओ, लोग याद कर दें दर्जियां नीचे। अच्छा, ये पता बात जी है ना, ये एक तो मेरी आंख साया हो गई, इधर ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, मुझे एक के दो दो नजर आते हैं, ठीक है, काम नहीं कर सकता, बेकार हो गए, बैठ गया हूँ, इसी वजह से बस। तो मिलने के लिए आते हैं आपको? मिलने के लिए आते हैं? अभी तक तो कोई नहीं, कोई नहीं है। दिल करता है आपका? दिल तो करता है ना। क्या चीजें याद आती हैं जब अपने बच्चों के साथ आप थे, काम करते थे, उनके लिए पैसे कमाते थे? असल में मेरी कमाई इतनी होती थी ना, मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा होता था, हमारे आपस में ऊंच नीच होती रहती थी, मतलब गुर्बत का एक की वजह से झगड़े भी बड़े होते हैं। सही कह रहे हैं। अजीब बात थी, जिसकी वजह से मैं कमजोर पड़ गया। अल्लाह ने मुझे बस इधर वेद सारा बना। तो आप यहाँ पे कैसा दिन गुजरता है आपका? शुक्र, अच्छा गुजरता है। अच्छा, और तो घर वाले ही है यहाँ पे भी, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं ये, मैडम नूरीन अच्छी हैं। जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको इज्जत दे जी, बहुत अच्छे हैं। भी अच्छे हैं जी जी, हाज साहब का। तो ये जो आपके जो साथी हैं, कभी इनसे झगड़ा झगड़ा हुआ है? ना जी ना। जावेद साहब है? नहीं, थोड़ा थोड़ा टक टुक कर लिया करो ना। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हम माशाल्लाह आपस में तो ठीक, प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कोई ऐसी बात जो बाहर, इतना बाहर जाता हूँ, ये नमाज मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई चीज लेनी हो तो साथ ही दुकान है, वहाँ से कुछ लेकर फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कोई चीज बात अपनी जवानी की, काम करने की बहुत याद आती हो? अच्छा, बस ये कारोबार जो है ना जी, दर्जी का काम था ना, बस यही याद आता है अभी, वो वक़्त कैसा था और अब वक़्त कैसा आ गया, खुशहाली का वक्त। अच्छा, महमूद साहब आप भी लोगों को नारे लगाते थे यार, शाम को ले जाना, कल ले जाना, अभी ईद पड़नी है। असल में रश बड़ी होती है ना ईद वाले दिन, होती है ना। मैं
दुकान भी मैंने की थी, फिर मेरे उस शहर ना होने की वजह से मैंने दुकान छोड़ के मैं घर पे बैठ के काम करता था। तो घर पे जो कमाई करती थी वो भी उतनी होती थी, क्यों, क्योंकि मैं बैठा गुजारा बड़ी मुश्किल, ठीक कह रहे हैं, घर में काम गुजारा था। अच्छा महमूद साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को जो आपको देख रहे हैं? नहीं, वो तो माशाल्लाह मैं इनको यही कहूँगा कि आपकी टीम माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, आप अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आपने हमारा दिल खोल दिया आप, लेकिन हमारी मजबूरियाँ आपने सुनी है। मैं आपके टीवी वालों से मैं दुआ करूँगा, अल्लाह पाक इसको वसी बना दे, आपको अल्लाह ताला सेहतम सीता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, मैं आपके गले मिलूंगा, इधर बैठे बैठे ही रहें आप। आमीन, खुश रहें, आपके पास आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, वैसे भी आते रहेंगे हम, ठीक है, अपना ख्याल रखें, दिल छोटा ना करें। अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे को अगर किसी इम्तहान में डालता है तो उसका सिला भी देता है, इंशाल्लाह आपको जरूर सिला मिलेगा, कोई गुरबत शुरबत आर्जी चीज होती है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना मुख्तार खान। मुझे बताया गया कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह। जी। तो डॉक्टर साहबा, यहाँ कितने अरसे से हैं आप? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से। तो डॉक्टर साहबा, क्या वजह हुई यहाँ पे आने की? घर में लुक आफ्टर कोई नहीं था करने वाला। घर में कोई नहीं था, कोई आपके बच्चे बच्चियाँ? कोई नहीं। क्या कहा वो? एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ हो गई, अल्लाह ने ले लिया वो। और मियाँ आपके? वो भी डेथ हो गई। उनकी भी डेथ हो गई, उनसे पहले वो फोत हो गई। तो डॉक्टर साहब, आप तो जो गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में हम जानते हैं, जो सुनते हैं कि उनका माशाल्लाह बड़ा उनकी आमदनी भी ठीक होती है, वैसे भी डॉक्टर की आमदनी ठीक होती है, लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट की मांग भी बहुत ज़्यादा है, उसकी आमदनी भी ठीक होती है, तो फिर क्या वजह हुई डॉक्टर साहबा? इतनी तफसील में क्या जरूरत है जाने की? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको पता चले कि एक इस हमारे मुआशरे के एक काबिले, देखें, इट डिपेंड्स ऑन गॉड, हर चीज़ अल्लाह करता है, और हर बंदे पे, अमीर पे गरीब का गरीब को गरीब भी बना सकता है और बुरा वक्त भी आ सकता है। कोई ऐसे वाक़यात होंगे मेरे साथ जिसकी वजह से मैं इधर आई हूँ, और इंशाल्लाह ताला मेरा ऑपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद को आपकी प्रॉब्लम भी है, वो क्या, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था? अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं रोड पे खड़ी अपनी गाड़ी खोल रही थी। जी जी। बैग से एक गाड़ी आई है, वो रिवर्स करके लाया था। सही। और उसने मुझे मार के सड़क पे गिरा दिया। डॉक्टर साहब, आप हमारी बहन भी हैं, हमारी माँ भी हैं, हमारी खाला भी हैं। बिल्कुल। तो हम इसलिए, हमारा अगर कोई बात बुरी लगे, आपकी माशाल्लाह चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, ये आपने पहले से वहाँ से लेके आई हैं या यहाँ के लिए आपने? नहीं नहीं, ये एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे पहनाई थी। उसने पहनाई है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो ईद कैसे मनाती हैं आप यहाँ पे? तो बड़ा अकेली होती हैं, या मैडम लोरीन होती हैं, उनके साथ मनाती हैं आप, वो आपका ख्याल रखती हैं? बिल्कुल। अच्छी हैं वो? बहुत ज़्यादा। तो ईद के हवाले से ख़ास ख्याल रखती हैं, कोई आपकी आपकी जो ख्वाहिश होती है कि आप ये खाना चाहें, वो आपको बना के देती हैं? बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, उनको इतना ख्याल है हमारा कि बस कुछ ना पूछें। तो डॉक्टर साहब, क्या चीज़ें याद आती हैं यहाँ पे जब आप अकेली हैं? जाहिर है बहुत कुछ आता है। कुछ हमें बताएं, कुछ अपनी ऐसी यादें जो हमारे देखने वाले उनको पता चले कि आप थोड़ा सा, पता नहीं मेरा सवाल ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपसे पूछूं। मेरी आदत ये है जी कि मैं रिपेंड नहीं करती, जो गुज़र गया गुज़र गया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ।
माशाल्लाह। और आइंदा के लिए बेहतर सोचती हूँ कि अपने लिए क्या करना है। अब मैं यहाँ से उठना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा उठे ऑपरेट के बाद, तो मैं अब एक बनाऊंगी बड़ा अस्पताल, माशाल्लाह, रिहैबिलिटेशन सेंटर, और डिसेबल पीपल के लिए सारा फ्लाई तौर पे अल्लाह मेरी मदद करेगा। जी जी, अल्लाह बिल्कुल, जो बंदा अच्छी नीयत से सोचता है उसका सवाब शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और आपने एक अच्छी नीयत से हाँ। एक सोच रखी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप किस कॉलेज से पढ़ी हैं? आपने जो किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर से, माशाल्लाह बड़ा नाम है, बड़ा कॉलेज है। वहाँ आपकी कोई फ्रेंड्स जो आपको याद आती हो या आपसे मिलने आती हो यहाँ पे? नहीं, अभी तो बड़ा अरसा हो गया ना, ये नहीं रही हो गई। अभी कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई बहन भाई आपके? बहन थी कोई नहीं जी, 6 दिन की थी तो वालदा की डेथ हो गई थी, और 3 भाई सुतेले थे, वो मुझसे बहुत बड़े बड़े थे, वो तीनों भी डॉक्टर बने क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे। अच्छा, फैमिली आपकी डॉक्टर्स की है? जी। फादर भी डॉक्टर थे? जी जी। अच्छा, वो राजा बाजार अस्पताल में MS रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह, जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जी, डॉक्टर अहमद खान, तो वो बड़े थे, वो पढ़ते गए, निकलते गए, फौरन वो चले गए बस। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपके हम पेशा लोग हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगी हमारे इस माइक के ज़रिए? कोई अपने मुआशरे के लोगों से कुछ कहना चाहेंगी आप? डॉक्टरों से एक बात करना चाहती हैं, उन्हें बुरा ज़रूर लगेगा क्योंकि आजकल ये देखें, मैं सोचती थी कि डॉक्टर और उस्ताद ये दो पेशे ऐसे हैं कि इसमें ना चाहते हुए भी नेकी होती है, वाह, बगैर सोचे भी नेकी होती है कि सोया हुआ रात को बंदा उठता है, मरीज आ गया है, नहीं दिल चाहता पैसा लेने का, जो कुछ लेकिन उठना पड़ता है ना। जी जी जी। तो वो नेकी होती है, लेकिन आजकल के जो डॉक्टर हैं नेकी बाद में सोचते हैं, टू गट पहले सोचते हैं कि क्या हम इसे क्या फायदा क्या होगा। बगैर जरूरत के अल्ट्रासाउंड करते हैं, बगैर जरूरत के टेस्ट करते हैं, और जो जरूरत भी नहीं होती, और मरीज बेचारा तंदा होता है ना, बिल बनाने के लिए उसको तो अपनी जान के लाले पड़े होते हैं ना, मरीज बेचारा तंदा होता है, वो जो हम बकते जाएंगे वो सुनता जाएगा, मानेगा, और इसी वजह से अभी मैं उठूंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं ये ऑनलाइन भी चेकअप शुरू करूंगी। अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि मेरा 30-40 साल का तजर्बा है, मुझे किसी चेकअप की जरूरत नहीं, चेकअप की, अल्ट्रासाउंड की। सही। तो मैं, तजर्बा आपका इतना है माशाल्लाह। मैं सड़क पे जाता हूँ, बंदा चल रहा हो, उसमें जहनी अबनॉर्मैलिटी होती है लोगों में, तो मैं देख के फौरन कहती हूँ इस बंदे में ये चीज़ है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर नहीं थे, तो एक दफ़ा हम इसी तरह पैदल जा रहे थे, मैंने कहा इस बंदे का ये मसला है, तो वो कहते हैं यार ये डॉक्टरी घर छोड़ आया का। हाँ। चलो मियाँ, बीवी में ये थोड़ी थोड़ी चिट चैट तो रहती है। हाँ। जी जी। तो मैं अब ये चाह रही हूँ कि मैं चेकअप ऑनलाइन शुरू कर दूँगी, तो इंशाल्लाह ताला, और वो बहुत कम पैसे रखूँगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमना जो जवानी में कैसी डॉक्टर थी, जब एक फ्रेश डॉक्टर थी, तो तब कैसी डॉक्टर थी? मैं अब अपनी तारीफ तो नहीं करूँगी, नहीं आप बताएं, आप जहर आप माशाल्लाह जेल में, आप जहर झूठ तो नहीं बोलेगी? मैं ठीक ठाक डॉक्टर थी। अच्छा। मैं जिसकी काम करना पड़ना था, मैंने पॉली क्लिनिक ज्वाइन किया था, लेकिन इतना टाइम ना मिला। एक साल के बाद मैं RMP करने गई UK, और वहाँ से वापस आई, तो एक साल के बाद गवर्नमेंट ने मुझे बर्मिंगम भेज दिया स्कॉलरशिप पे, तो वो करके आई, तो फिर फादर ने मेरी शादी कर ली। शादी के बाद फिर खुदा ने मुझे बेटा दिया, वो बेटा फिर हस्बैंड की डेथ हो गई,
फिर बेटा उसको पार्किंसन हो गया। पार्किंसन का इलाज आजकल भी पाकिस्तान में नहीं है, तो उस वक्त कौन जानता था। ये मोहम्मद अली बॉक्सर को भी यही बीमारी थी। हाँ जी, जी। फिर मैं अमेरिका ले गई इसको, बाल्टी मोर डिज्नीलैंड शायद बाल्टी मेर शायद, तो वहाँ मेरे बच्चे का इलाज भी होता रहा, डॉक्टरों का स्पेशलाइज होता था वहाँ, वो भी मैंने किया और मैंने अपनी फ्री सर्विस वहाँ दे दी उन लोगों को कि मुझे बच्चे के पास रहने दें। इस तरह उन्होंने मुझे अकोमोडेट कर लिया और बच्चा भी मेरा खुश हुआ। वहाँ मुझे एक बंगाली डॉक्टर से भी वाकफी हो गई, वहाँ मैं गायनी का काम भी उसके साथ करती थी और अपना स्पेशलाइज भी किया, तो मेरे वहाँ 7 साल पूरे लग गए। तो फिर आई तो पॉली क्लिनिक को क्या करना था। फिर मैंने अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिंदगी का आपको साथी मिला वो कैसा था जो जल्दी आपको छोड़ के चला गया? अल्लाह के अख्तियार में था, उनके पास में तो नहीं था। नहीं, लेकिन कैसे थे वो? अच्छे अच्छे इंसान थे। बेटे को ज़्यादा मिस करती हैं कि अपने ज़िंदगी के साथी को ज़्यादा मिस करती हैं? माँ तो खैर बेटे को ही मिस करती है, लेकिन मैंने कहा चले वैसे ही आपसे सवाल पूछ ही लूँ। नहीं, साथी को भी मिस करना पड़ता है, मजबूरन भी करना पड़ता है, क्यों? साथी कदम कदम पे बंदा मोहताज होता है। औरत जो है ना, जितनी भी कर ले, हमारा मेल डोमिनेटेड माशरा है, सही, औरत इंडिपेंडेंट नहीं चल सकती, सही, लेकिन उसका कमी कुछ बेटे ने पूरी कर दी थी। बेटा बड़ा होता गया, जवान हो गया, लेकिन जब वो भी नहीं रहा तो अब तो देख के क्या कहना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारी नई जनरेशन है उनको क्या कहेंगी अपने वालदैन के हवाले से, उनका क्या रवैया होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाह रहा हूँ। ये बात ये है जी कि रवैये को वालदैन खुद भी थोड़ा बेहतर करें ना, अपने रवैयों को भी बेहतर। हाँ, वालदैन क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारा ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर बच्चा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है। फिर हमारे मुल्क में ना अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, ना उनको इनक्रेज किया जाता है। वो बेचारे इतनी डिग्रियाँ लेके घर में तो नहीं बैठ सकते, उसके लिए बच्चे बाहर निकल जाते हैं। सही। तो फिर माँ बाप बेचारे ऐसे अकेले रह जाते हैं। सही, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनका साथ देना नहीं चाहिए। छोड़ना चाहिए, लेकिन मजबूर हो जाते हैं ना फिर बेचारे बच्चे भी। डॉक्टर साहब, मैंने आपको कहा कि आप मेरी बहन भी हैं, मेरी माँ भी हैं, तो मैं अपनी माँ और बहन का हाथ पकड़ सकता हूँ? आप बहुत माशाल्लाह अच्छी हैं, मासूम हैं, और आपका जज्बा अभी भी जो है वो ज़िंदा है। ये कौन सा है? ये हमारा ABN न्यूज़ है और ये हमारा इंशाल्लाह ताला ईद के ख़ास मौके का प्रोग्राम है, आज भी ईद का दिन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे। कोई हमारे लिए कोई और खिदमत हो, हाँ मैं दे आपको दे दे देता हूँ जी, दे दे देता हूँ आपको, जब हम अभी हमारा कैमरे के बाद आपको नंबर देता हूँ। नौरीन मैडम है ना? जी जी, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ये बहुत ही जी जी। मेरा सूट, सूट वो कह रही है। अच्छा, तो जी जी, मैं एक, ये मेरे मुझे एक एक्स्ट्रा सूट बना कर आपको मैं सूट दे के जाऊँगा। मुझे तो आपकी ये चूड़ियाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छी लगी, ये दो मैं उतार ना लूँ? नहीं नहीं, आपको बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरी दोस्त बेटी बन गई है, अच्छा, मीडिया की है। अच्छा, फातिमा उसने पहनाई थी। अच्छा अच्छा, चले अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और फिर आपके जज्बात सुन के ना मुझे बड़ी खुशी हुई। जल्दी जलने लग जाऊं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो मैं फिर लोगों के काम आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा जज्बा है आपका। ये जो मैं बना रही हूँ जी, एक फैमिली हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा, फॉलेज की तरफ स्पेशल तवज्जो होगी, और जो भी डिसेबल किस्म के हों, चाहे फॉलेज के हों, चाहे एक्सीडेंट में हों, जैसे भी उनके रिहाश खुराक सबका इंशाल्लाह ताला अल्लाह मदद कर दे। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह ताला जब बंदा एक सफ़र उठाता है, पहला कदम उठाता है, तो अल्लाह ताला फिर खुद संभाल लेता है। डॉक्टर साहब, आपकी जो जज्बे हैं ये बहुत, अब भी जवां हैं, आपकी हिम्मत जवां है, और आपकी गुफ्तगू में बहुत अच्छी लगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमें दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे। आपका हाथ पकड़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई किसी जन्नत के बाग में कदम रख लिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर आमना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपके साथ वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज आपको पता है कि ईद का दिन है, और आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं
जहाँ पे वो लोग हैं जो किसी ख़ास वजह से अपने घर से बेघर होके इस आशियाने में, इस बागबान के आशियाना में रिहाइश पजीर हैं। अब हमारे साथ कौन है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शहनशाह बाबर। माशाल्लाह, आप तो शहनशाह लगते भी शहनशाह, और नाम भी आपने शहनशाहों वाला रखा है। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन। अल्लाह, तो ये सर जी क्या पढ़ रहे हैं आप? ये इस्लामी किताब है। अच्छा। इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, माशाल्लाह, कुरान पाक, सारे कुरान पाक की क्या फजीलत है, कुरान पाक के बारे में, माशाल्लाह, इस्लाम के बारे में सब कुछ ज़्यादा बताया गया। अच्छा शहनशाह साहब, आप क्या करते रहे हैं, क्या काम काज करते रहे हैं, प्रोफेशन क्या रहा? मैं पहले 7 साल टीचर रहा हूँ। अच्छा। इस्लामिया स्कूल नंबर 1। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं टेक्निकल ड्राइंग वैसे, और अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। उर्दू, साइंस। और 7 साल बाद फिर क्या? 7 साल बाद मैं लीबिया चला गया। अच्छा। लीबिया जो है तकरीबन कह लें आप 12 साल मैं लीबिया में रहे। फिर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म करा के आप आए हैं या पहले आ गए हैं? बस उससे 2-3 साल पहले आ गए। पहले आ गए हैं, पहले आ गए हैं। तो कैसा मुल्क है लीबिया? लीबिया माशाल्लाह इस्लामी मुल्क है। हाँ जी। और लोग कैसे हैं? लोग भी अच्छे लोग हैं। अच्छा, वहाँ पे भी ये टेक्निकल काम करते रहे? वहाँ मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आपने खूब नोट शोट कमाए होंगे। बस अल्लाह का शुक्र है अपने इज्जत से टाइम पास। तो यहाँ क्यों आने की क्या वजह हुई यार? बस फैमिली टर्म्स जो हैं वो आपको पता है कि जब वो ठीक नहीं रहे, वो आदमी जब बूढ़ा हो जाता है वो कमाई करके नहीं दे सकता जो जवानी में दे सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन शहनशाह साहब एक हमारा एक कल्चर भी है ना, एक सकाफत भी है कि हम अपने बुजुर्गों को अपने सर आंखों पर बिठाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके पाँव दबा के हमें खुशी होती है, तो ऐसा सिलसिला क्यों नहीं होता? वो पहले की बात है, खानदान से ताल्लुक है। सही। हर खानदान एक जैसा नहीं होता। सही। दुनिया में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ठीक है। बहरहाल किस्मत की बात है, किस्मत की भी बात है, इंसान की किस्मत। तो इस ये जो अब आपकी ये यहाँ पे जो कयाम है, इससे ज्यादा रंजीदा तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। माशाल्लाह, पढ़ते क्योंकि आप पढ़ने पढ़ाने वाले भी मैं देख रहा हूँ, अखबार भी आपके पढ़ा हुआ है। जी जी। आप ये फजाले अमाल भी पढ़ रहे हैं। तो बच्चे आपके माशाल्लाह कितने? मेरी एक बेटी है। एक बेटी अपने घर वाली होगी? शादीशुदा अपने घर वाली। और वाइफ आपकी? वाइफ भी, वाइफ मौजूद है लेकिन डिवोर्स होगी। डिवोर्स होगी। हाँ बस। किस इलाके के आप? पिंडी के? पिंडी के 22 नंबर नहीं, टेंच बाटा। हाँ, 22 नंबर टेंच बाटा। पटवारी बोल रहे हो? पटवारी जामी लगना के तुम पटवारी बोल रहे हो? पटवारी जानने जानने 22 नंबर बड़ा गुंजान आबाद है, टेंच बाटा। मैं जब छोटा होता था ना तो टेंच बाटा को पढ़ता था पटख बाटा, पढ़ना नहीं आता था। जी जी। तो अच्छी बात है। तो क्या आपको अपने, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप बाहर भी रहे, क्या चीज़ें याद आती हैं यहाँ आप पढ़ने पढ़ाने वाले हैं? बस ज़िंदगी जो है ना, एक इंसान का सफ़र है। जैसा सफ़र अच्छा कटे तो अच्छी याद आती है, बुरा कटे तो बुरी याद आती है। आपका तो अच्छा कटा माशाल्लाह, बच्चों के साथ आपने पढ़ाने में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बस अल्लाह के ऊपर। तो क्या कोई ऐसी हमें चीज़ हमारे देखने वालों को बताएं कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा याद आती है अपनी जवानी की, अपने लड़कपन की? जवानी की तो सारी बातें याद आती हैं, लेकिन जो अच्छा टाइम गुजरा है अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छी फैमिली, अच्छी बातों के साथ। शहनशाह साहब, आप अब भी माशाल्लाह खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जवानी में तो आप बहुत कड़ियल जवान और बहुत खूबसूरत होते हैं। नहीं, ठीक ठाक थे। तो इश्क भी किया कभी अपनी जवानी में? नहीं, इश्क वाला, इश्क वाले काम में नहीं पड़ा, खाता नहीं खुला। अच्छा किया वो, अच्छा किया वो, बिल्कुल बदले को खराब कर दिया। तो हमारे, हमारा ये कैमरा है जी, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप टीचर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, हमारे मुआशरे को, हमारे उन बच्चों को जो अपने वालदैन को संभाल नहीं सकते, उन बीवियों को जो पैसे की वजह से एक बहुत मुकद्दस रिश्ता, कहते हैं ना एक दूसरे का लिबास होते हैं मियां बीवी, एक दूसरे का लिबास होते हैं, और वो फिर रिश्ता तलाक पे या अलहदगी पहुंच जाता है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सब इंसान के मुकद्दर की बात है, अल्लाह ताला जो मुकद्दर ठीक बनाए तो सब ठीक है, वरना बादशाह भी आप देख लें वो फकीर हो गए। भट्टों का दौर देख लें, भट्टों के पास जायदाद थी, सब कुछ थी, बस वो सियासी चक्कर में आके आपको पता वो भी ख़त्म।
बड़े बड़े और बादशाह शहनशाह ईरान गुजरे जी, उनको बड़ी बुरी हालत थी। एक दो एक दौर में मैं शहनशाह ईरान जमीन उनको दफन करने के लिए नहीं मिलती, वो दफन करने के लिए कोई जगह नहीं मिली, देता था अभी भी वो अमानतन दफन है। सही, मेरे ख्याल है तुर्की में शायद। सही, बहरहाल बात यह है कि अल्लाह ताला के ऊपर यकीन। अच्छा शहनशाह साहब, ये बड़ी मुश्किल से सवालात होते हैं। जो बेटियां होती हैं ना, वो बापों को बड़ी प्यारी होती हैं, और बेटियां बाप से मोहब्बत भी बहुत करती हैं। मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह दो बेटियां हैं माशाल्लाह। तो आप बेटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेटी तो अल्लाह की नेमत है ना, बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को आयशा फातिमा जी, हज़रत फातिमा मोहब्बत कर, आयशा तो उनकी बीवी थी जी जी, और उनसे मोहब्बत करते थे। जब वो तशरीफ लेके आते थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते अपनी चादर उनके लिए बेटी थे। बेटी जो है अल्लाह की नेमत है, क्या माशाल्लाह, अच्छी मिसाल दी आपने। इसी से दुनिया का निज़ाम चल रहा है, अगर बेटी से निज़ाम चल रहा है तो हमें बेटी प्यारी है और बेटी बाप के लिए भी प्यारी है। तो ये बड़ा मतलब वो दिन तो याद आते होंगे जब आपकी बेटी आपके सीने पे सर रख के सो जाती होगी, आपसे प्यार करती होगी। क्यों नहीं याद आती, याद तो आती है, कोई मसला नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बेटी को भी इस तरह याद आती होगी अपने बाप? हाँ जरूर, रिश्ता तो खत्म नहीं होता, खून का रिश्ता होता है। नाखून से जो है ना वो मांस जुदा नहीं होना, मांस जुदा नहीं होने लगा। ठीक है, वही मसाला, बस अल्लाह ताला पे यकीन रखे। ज़िंदगी जो है ना इज़्ज़त व मंतशा व ज़िल्लत व मंतशा पे कायम दायम है, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहाँ से हम आए हमने वहीं वापस जाना, सब ने जाना है, सब ने वहीं जाना है। ये एक मुख्तसर सा सफ़र है, हंसी खुशी काटना चाहिए। अच्छा मैंने देखा कि आप अखबार भी पढ़ते हैं, टी वी भी देखते हैं, तो आजकल का सियासी माहौल भी अपने ऊपर असरअंदाज करते हैं, जैसे हर बंदे पे बहस में लगा हुआ है कोई। सियासत तो सर झूठ का नाम है। सही, सियासत का मतलब है झूठ। सही, पैसा कमाना। सही, पाकिस्तान उसकी टेंशन नहीं लेते आप? नहीं, टेंशन क्या लेनी है। नहीं, पाकिस्तान की वजह से हम थोड़ी सी टेंशन ले जाते हैं ना यार, हमारा मुल्क कितनी मुश्किल से हासिल हुआ, कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ। वो कुर्बानियाँ जो देने वाले थे वो तो चले गए, उन्होंने जन्नत कमाई है। सही, अब हमारा काम है मुल्क को संभालना। सही, और सबसे बड़ी बात है जो नमाज पढ़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को याद बड़ों की इज्जत करें, छोटों की शफकत करें, छोटों से। सही, और अल्लाह पांच वक्त की नमाज पढ़ना यही जन्नत है माशाल्लाह। जिसने नमाज पढ़ ली वो गया, मतलब पार हो गया। जो नमाज और अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, उनकी हदीसों के मुबारक के ऊपर नहीं चलता तो इस्लाम से वो बहुत दूर है। शहनशाह साहब, आप मेरे भाइयों की भी तरह हैं, मेरे बुज़ुर्गों की भी तरह हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, बैठे रहें आप। नहीं, बैठ के नहीं। अच्छा, बैठ के नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सारी मुश्किलें दूर करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और आपका नाम शहनशाह है, और शहनशाह की जिंदगी गुजारें आप इंशाल्लाह। सब ने जाना है। ठीक है, हमें दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को दुआओं में याद रखें, और हमारे जो देखने वाले हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम उम्मा है, उसके लिए भी दुआ करें, क्योंकि जो बंदा अल्लाह की तरफ से आए हुए इम्तिहान में होता है उसकी दुआ बहुत कबूल होती है। बिल्कुल, मुश्किल के हुजूर फरमाया कि मुश्किल के वक्त इंसान अल्लाह को ज़्यादा याद करते हैं। बेशक। तो अल्लाह उसके नज़दीक, अल्लाह तो सबके नज़दीक। बड़ी बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए नाज़रीन, कोशिश करते हैं किसी और से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी आपका क्या नाम है? अताउल्लाह उमर। अताउल्लाह उमर साहब, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मेरा ये चौथा साल है। अच्छा, चार साल से आप यहाँ पे हैं, तो चार साल में बोर तो नहीं हुए यहाँ पे? ना, अल्लाह का घर वाला माहौल है हमारा। अच्छा, खुश हैं आप यहाँ पे? तो क्या करते रहे हैं आप अपने जवानी में, और अपनी जब प्रोफेशनल लाइफ क्या थी आपकी?
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे माशाल्लाह। तो फिर यहाँ पे क्यों इस तनाई में आ गया अचानक? बस वाइफ की डेथ हुई है, बेटी मेरी है नहीं। अच्छा, वाइफ फोत हो गई है, बेटा है? हाँ जी बेटा। कितने बेटे हैं? चार बेटे हैं। तो चार बेटे आपको क्यों नहीं, आपको अपने पास कोई बारी बारी दो दो तीन तीन महीने क्यों नहीं रखता? मैं खुद नहीं रहना चाहता, उनकी शादियाँ की हैं बड़े दो की। अच्छा, वो आउट ऑफ फैमिली हैं। अच्छा, तो मैं तंग नहीं करना चाहता। आप चाहते हैं कि वो आज़ाद रहें उनका? तो वो उन्होंने वो ख्वाहिश का इजहार किया कि अबा जी आप हमारे पास आ जाएं? आज अच्छा, ये गोलियाँ दे के गया? अच्छा अच्छा, बड़ा बेटा आते रहते हैं आपसे मिलने? बहुएं नहीं आती? मैं खुद जाता हूँ। अच्छा, खुद जाते हैं आप? अच्छा, और जो आपके पोते पोतियाँ वो कितने हैं माशाल्लाह? पोतियाँ दो ही हैं। अच्छा, उनसे वो बहुत, उनसे प्यार तो बहुत आता होगा आपका? सही बात है। अच्छा, वो लाल है प्यार तो आता, क्या करें, मजबूरी भी है ना। जी, तो ईद शीद कैसी गुजरती है आपकी अकेले में? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मैं जाता हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि आपको अपने जब बच्चों को अपने साथ आप खिलाते थे, उनको ले के जाते थे, वो आपसे ज़िद करते थे, आप उनकी फरमाइशें पूरी करते थे, वो चीज़ें याद आती हैं आपको? तो अब फिर शिकायत तो पैदा होती होगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना मैंने काम किया। और मुझे को बता रहा था कि आप मुल्क से बाहर भी रहे हैं। किस मुल्क में रहे हैं? सऊदीया में रहे हैं। तो वहाँ पे खूब माल छाल कमाया आपने? तो वो फिर तो पैसा आपको, तो फिर जब पैसा अपने पास हो, जेब में हो, तो फिर तो हर रिश्ते ही सारे जो नहीं भी होते वो भी कहते हैं हम आपके रिश्तेदार हैं। दोस्ती दुश्मनी अल्लाह के लिए रखी है उस टाइम में, तो आप भी अच्छा लोग थर्ड पर्सन ठीक है, पढ़े लिखे माशाल्लाह आप इंजीनियर हैं और अल्लाह की रजा नहीं, वो पैसा वैसा कहाँ किया आपने जब सऊदी अरब में कमाया? पैसा वो घर बनाया, घर बनाया। हाँ। वो बच्चों को दे दिया? हाँ, भाई रहता है, भाई रहता है, भाई भी आता है, भाई ने भी नहीं कहा कि यार आप मेरे पास ही आ जाए? कहते हैं बस मैं नहीं जाता खुद। आप चाहते हैं कि आप उनको उनपे बोझ ना बने? नहीं करना चाहिए, नहीं बोझ बनना चाहिए, अल्लाह ने आँखों दिए हैं। सही, अल्लाह का शुक्र है, हमें खाना पीना मिल जाता है, बच्चे खर्चा दे जाते हैं, कोई मसला नहीं, कोई अल्लाह का एहसान, मालिक अच्छे हैं हमारे साथ। ये बागबान वाले अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, अजी शोकर साहब अच्छे हैं, मैडम अच्छी हैं, घर वाली उनकी तारा बाजी वो भी अच्छी है, मलक साहब हैं दूसरे। अच्छा, भाइयों की तरह हमारा ख्याल करते हैं, वो हमारे साथ अच्छे हैं, तो कोई फिक्र फाका नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही, तो ये जो आपके साथ कमरे में ये साथी रहते हैं, महमूद साहब हैं, जावेद साहब हैं, ये तो नहीं तंग करते? करते कौन नहीं तंग करता हमारा? अच्छा, अब जिंदगी का हिस्सा है हमारा ये, तो हमें कहते हैं शुगल मेला। हाँ, शुगल, शुगल मेला, शुगल मेला। क्या करें? कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी की बहुत याद आती होगी, होती है उमर साहब आपको बहुत याद आती हो? बस जवानी की, माँ बाप का टाइम, माँ बाप याद आते हैं, माँ बाप बहुत याद आते हैं, वाइफ भी याद आती है। आप जितने अपने माँ बाप को याद करते हैं, आप अपनी वाइफ को भी याद करते हैं, आपके बच्चे भी आपको इतना ही याद करते होंगे? पैसे वैसे तो देते हैं, याद इतना ही करते हैं? पैसों को छोड़े, पैसे ही नहीं हर चीज होती। हाँ, तो वो भी आपको इतना ही याद करते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है करते हैं। चले चले, अल्लाह ताला, मुझे कोई किसी से गिला नहीं है। चले, ये तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक जिंदगी का हिस्सा है। ओके, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे कैमरे के जरिए? पैगाम, अल्लाह आपको और इज्जत दे, अल्लाह ईमान वाली जिंदगी दे, अल्लाह पाक जो देखने वाले हैं उनको सब्र दे, बस सब्र के साथ, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको और से दे। मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ, मिल सकते हैं? अल्लाह ताला खुश रखे आपको, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, टीम्स में बड़ी मेहरबानी। खुश रहें, खुश रहें। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नौरीन तनवीर। अच्छा नौरीन तनवीर साहिबा, आप केयर टेकर हैं इस ओल्ड एज हाउस की जो बागबान के नाम से करते हैं। जी जी। और टोटल कितने लोग हैं आपके पास? यहाँ हमारे पास तकरीबन 8 लोग हैं इस टाइम। 8 लोग हैं। जी जी। तो ये मुख्तलिफ अरसों से रहते हैं, तो या आके एडजस्ट हो जाते हैं या तंग करते हैं आपको? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे पास जितने लोग भी आए हैं हम उनको ऐसा माहौल देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ऐसा मसला हो भी ना तो यहाँ के वो अपने सब दुख भूल जाते हैं। सही। क्योंकि हमने इसको अभी तक इदारा बनाया नहीं है। जो हमारे गेट से अंदर हो जाता है हम यही समझते हमारा फैमिली मेम्बर है, घर है, घर ये हमारा एक घर है। सही। हमने इसको वो इदारे वाला सिस्टम रखा ही नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे पास बुजुर्ग हैं हम यही समझते हैं ये हमारे वालदैन हैं, तो बहुत अच्छा जो है ना सब मिलजुल के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम जब यहाँ पे जो लोग आ जाते हैं फिर उनको बाहर जाने की भी इजाज़त होती है घूमने फिरने? जी बिल्कुल, वो जा सकते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। अगर उनके कोई रिलेटिव कहते हैं कि हम इनको लेके जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं बेशक एक दो दिन के लिए ले जाएं, मतलब इन पे कोई पाबंदी नहीं है। सही। कि आपने यहाँ बैठे हैं तो वहाँ नहीं बैठ सकते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी मर्जी से गेम्स खेलते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते हैं। गेम्स कौन सी खेलते हैं? मतलब कभी इनका दिल करे लूडो वगैरह खेल लेते हैं सब मिल के, हम बच्चे आते हैं इनके साथ खेलते हैं, मतलब नाना अबू दादा अबू इस तरह सब बच्चे इनको पुकारते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब खाली लूडो वगैरह खेलते हैं, कोई यसु पंजो तो नहीं खेलते जैसे मारने वाले? नहीं, यसु पंजो नहीं खेलते। अच्छा कभी कोई तंग करता हो, कोई प्रॉब्लम करता हो? जाहिर है ये बुजुर्ग है, एक थोड़ा सी बंदे में चिड़चिड़ाहट भी पैदा हो जाती है ना एक ख़ास एज में, और ख़ास करके जो जब शुगर का मर्ज़ हो तो थोड़ी अपने घर में भी जो होती है, तो कोई कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, हो जाती है बाज़ का बुज़ुर्ग हैं मतलब सख्ती, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्यार से मोहब्बत से उनसे बात इस तरीके से करते हैं ना कि हम उनकी बात को गुस्सा नहीं करते हैं। हम उन्हें खुद अपने अखलाक से अपने प्यार से उनको गाइडलाइन देते हैं कि नहीं आप इस तरह करें, आप मुझे बताएं आपको कुछ चीज़ चाहिए, क्या मसला आप मेरे से डिस्कस करें। तो जब उनके पास आधा घंटा 10 मिनट हम बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात को समझते हैं। अच्छा, तो आप 24 घंटे यहीं पे इनके पास होती हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पास कुछ बच्चियां भी हैं? जी, हमारे पास सिर्फ बच्ची हैं। जी, वो छुट्टियों पे। यतीम है या मस्कीन? नहीं नहीं नहीं, बच्चियां हमारे पास यतीम ही हैं। अच्छा, यतीम। जी जी। तो उनको भी आपने यहाँ पे रहायश दिया, खाना देती हैं, और अभी वो अपने अपनी माँ के पास गई? जी जी, वो अपने घरों में गई हुई ईद के लिए गई हैं, जाहिर है सिर्फ वो ईद पे ही जाती हैं, और उसके अलावा उनको स्कूल भेजते हैं, उनको ट्यूशन वगैरह उनका यहाँ हमने खुद ही इंतजाम किया हुआ है, उनका खाना पीना रहाई सब हमारे ज़िम्मे है। मैडम नौरीन, कुछ कहना चाहेंगी हमारे लोगों को जो अपने माँ बाप को तनहा छोड़ देते हैं और उनके बुज़ुर्गों को इस घर में रहने की मजबूरी होती है, उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? जी सर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये आपकी जन्नत है, तो हम तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि अल्लाह ताला ने शहादत हमें दी है। देखिए, माँ बाप जन्नत होते हैं, जो आपको बचपन में पालते हैं, आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो आपको भी चाहिए ना कि आप जब उनका आखिरी टाइम हो तो उनको संभालें। ठीक है, ये भी आपसे अल्लाह ताला पूछेंगे, तो आप अल्लाह ताला की पकड़ से डरें। जो आप आज कर रहे हैं ये तो दुनिया मुकातफात अमल है, कल आपके साथ भी हो सकता है, तो आप इस सोच को रखें अपने अंदर और अल्लाह के खौफ रखें अपने दिल में, इन बुज़ुर्गों को अपने घरों से मत निकालें, यह आपकी जन्नत है। तो हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें ये सादत दी है कि हम इनको संभाल रहे हैं, और आज दिन तक हमने ये नहीं सोचा है कि ये कोई गैर है, हम यही समझते हैं हमारे अपने वालदैन हैं। और आप इनसे पूछ भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे, बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि ये जो बागबान है ये वाकया मैं ही बागबान है। अल्लाह ताला हाजी साहब को ज़िंदगी से दे उनको, उन्होंने कभी जी यहाँ के जो ओनर हैं हाजी शौकत अली कुरैशी, जी हाजी शौकत अली कुरैशी साहब हैं, बेसिकली इसको चलाते वो हैं। जी चलाते वो ही हैं और वही इसके ऑनर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइस पर्सन हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब वो भी उनके साथ ऐसे ही घुल मिल के रहते हैं, मतलब इनको किसी चीज़ की हमने कमी नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो जिसका दिल होता है वो खाते हैं पकाते हैं, मतलब हम उनसे पूछते हैं डेली में क्या किसी का कुछ मूड है खाने का हमें बताएँ, यानी कि होता है ना कि मखसूस होता है कि आपने यही खाना है यही पका है, नहीं जिसको जो जी चाहता है हम उनमें खुद उनको बना के देती हूँ। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपके तावन का बहुत शुक्रिया, हमें भी आप दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को भी आप याद रखिएगा, देखने वालों को भी याद रखिएगा, क्योंकि आप बड़ा एक नेक काम कर रही हैं, और ऐसे लोगों की अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह ताला किसी की दुआ रद्द नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों की दुआ रद्द करता है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वो वालदैन जो हमें बचपन में जब हम चल नहीं पाते, जब हमारी ज़िद्दे अरूज पे होती हैं, जब हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, जब हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, हमें तालीमी अदारों में दाखिल कराते हैं, अब हमें जो हम पढ़ाने वाले टीचर होते हैं
उनसे जाके मुलाकात करते हैं कि मेरे बेटे की ये चीज़ कमज़ोर है, उसका मैथ कमज़ोर है, उसकी केमिस्ट्री कमज़ोर है, उसका ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, तो आप इस पर ध्यान दें। वो इतना ज़्यादा, और जब बच्चा उनका चलते चलते गिरने लगता है तो वालदैन को ऐसे लगता है कि जैसे उनका दिल गिर गया है या उनका दिल गिरने लगा है। तो जब हम ऐसे वालदैन को, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब आप मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ अपने वालदैन पे एक नज़र डालते हैं तो आपको हज और उमरे की सवाब की सआदत मिलती है। हम उनको तनहा सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि वो खांसते हैं, या इस वजह से छोड़ देते हैं कि अब उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं रहा, या इस वजह से छोड़ देते हैं कि थोड़े से उनके पाँव दबाने पड़ते हैं, उनकी दवा लानी पड़ती है, या उनकी बचपन की तरह की जो बचपन में बच्चों की ज़िद होती है ना, ये इस एज में भी बचपन आ जाता है, उनकी ज़िद पूरे करना हमारे बस में नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। तो याद रखिए, अगर आज अपने माँ बाप के लिए अपना थोड़ा सा वक्त आप नहीं दे पाएंगे, उनकी थोड़ी सी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर शायद आने वाला कल आपके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात लेके आए और शायद आपको भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी पड़े। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर हम आपको ईद मुबारक कहते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह कभी आपको ऐसे इम्तहान में ना डाले जिसमें आप बहुत ही मजबूर हो जाएं। और इन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा जो यहाँ पर रहते हैं और किसी मुश्किल में हैं। इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।